गंज में अचानक कुछ हफ्तों से पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लेक का पानी भी सूखता चला जा रहा है। ये पानी कहां जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये जानना है तो देखिए आज रात हमारा प्रोग्राम पानी का रहस्य। लेकिन दादाजी अचानक ये पानी की कमी कैसे हो गई? अभी तो कुछ महीने पहले लेक के ओवरफ्लो होने की खबरें आ रही थी। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बेटा कि आखिर अचानक से ये पानी चला कहाँ गया, जबकि अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। दादाजी इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना फुर्सतगंज के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। दादाजी, क्या आपके यहाँ एक बाल्टी पानी मिलेगा? हाँ, मैं नहा रहा था और अचानक पानी चला गया। मैं तो मिस्टर चड्डा को देखकर डर ही गया, मुझे लगा कोई भूत है। हाँ, मैं भी डर गया था। दादाजी जल्दी कीजिए, पानी दीजिए, मेरी आंखों में साबुन लग रहा है। ओए, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। ओए, अंडरवाटर सूप ऑन। इमली चुलबुल, तुम लोग यही रुको, मैं अभी आया। एनर्जी बन रही है, तो ये वजह है पानी की कमी की। हाँ, यहाँ एनर्जी बन रही है, और अब जब तुम हमारे काम में टांग अड़ाने आ ही गए हो तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। Because I'm mad, very very mad। आज तो तुम्हारा भुर्ता बनाकर छोड़ेंगे। चलो देखते हैं कि तुम मुझे कुछ बनाते हो या मैं तुम्हें। बॉस, बॉस, हे! ट्रांसफॉर्मर ऑन करो बेवकूफ। सकता, फ्लाई करके ही लड़ना होगा। अभी दिखाता हूँ। नहीं, वो वापस करो, मेरा रिमोट वापस करो। तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का खेल अब खत्म टिम्बकटू। Yeah!
सब्सक्राइब टू वाव किड्स टुडे।